जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जे जी डी हेल्थ में स्वागत है। आज हम इस तरह से सिलाइयों से जीरो और एक नंबर की बड़ी प्यारी सी बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस बनाएंगे। इसके साथ के हमने ये हैट भी बनाई है। इसे हमने आज सिंगल कलर से बनाया है और इस तरह के पैचेस से इसे डेकोरेट किया है। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है और 3 प्लाई की ऊन का यूज़ किया है। तो चलो हम इस ड्रेस को बनाना शुरू। अपने ड्रेस का घेरा बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 10 फंदे डाल लिए। उल्टी सिलाई में मैं पूरी सिलाई को उल्टा निकालूंगी। इससे मैंने सभी फंदों को उल्टा बना के से कंप्लीट कर लिया। अब इस उल्टी सिलाई को तो हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमारी फर्स्ट रो निकलेगी जिसमें हम अपनी घेरे के डिज़ाइन बनाएंगे। तो फर्स्ट रो के अंदर हम इसके अंदर शुरू में 2 फंदे बढ़ाते हैं। तो फंदे इस तरह से बढ़ाएंगे, इसमें दोनों तरफ से सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकलेंगी। पहले फंदे को हमने उल्टा बनाया, अब इस फंदे को गिराएंगे नहीं, इस वाले फंदे को वापस अपनी सिलाई में इस तरह से डाल लें। तो हमारा एक फंदा बढ़ गया है। अब इस फंदे को वापस यहीं बना देंगे हम, और इस फंदे को नहीं गिराएंगे और हमारे इस फंदे को वापस अपनी सिलाई में डाल लें। तब हमारी सिलाई में 12 फंदे हो गए। तो 2 फंदे तो अपने में डिज़ाइन के बनाती हूँ। ये हमारे 2 फंदे तो हमारे डिज़ाइन के जो हमने फंदे बढ़ाए। अब हमारी सिलाई में 10 फंदे हैं, तो इसमें से 5 फंदे हम बना लेंगे और 5 को हम छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब पीछे हमारे 5 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहीं से अपनी सिलाई को हम घुमा लेंगे, इन सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है। इस तरह हमने अपनी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लिया। तो हमारे इसके अंदर 2 सिलाइयाँ निकल गई। पहली सिलाई में हमने 2 फंदे बढ़ाए और जो हमारे फंदे होते हैं उसमें से आधे फंदे हम बनाते हैं। सभी साइजों में ऐसे करेंगे। सभी साइजों में हमें बड़े हुए फंदे तो अलग से और जो फंदे हमारी सिलाई में होते हैं पहली सिलाई में आधे फंदे बनाते हैं। अब हमारी तीसरी सिलाई हो गई, तो इसके अंदर भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले इस फंदे को उल्टा बनाया, ऊन को पीछे ले जाके इस फंदे को मैं सीधा बना दे। हमारा एक फंदा बढ़ गया। ज़्यादा फंदे बढ़ाने रहेंगे तो जैसे हमने नीचे बढ़ाया था वैसे बढ़ाएंगे। एक फंदा में इसी तरह से बढ़ाना, ऊन को अपनी तरफ करेंगे। ये 3 फंदे तो हमारे बड़े हो गए। अब हमारी सिलाई में 10 फंदे, इन 10 फंदों को हम उल्टा बना लें। पहली सिलाई में हमें आधे बनाने रहते हैं और तीसरी सिलाई में हमें सभी फंदों को पूरा बनाना रहता है। अब हमारी उल्टी तरफ आ गई और चौथी सिलाई आ गई। इस ऊन को लास्ट में काट देंगे तो जिससे ये आइडिया रहेगा कि हमारी उल्टी साइड है। अब इसे सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे तो ये हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमारी 5वीं सिलाई में आ गई। इस तरह हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी 5वीं सिलाई आ गई जो सीधी तरफ से। तो हमने इसमें 3 फंदे बढ़ाए थे, तो ये 3 फंदे तो हमारे उल्टे बना लिए हम शुरू के। अब हमारी सिलाई में 10 फंदे जो हमने डाले थे, तो इसमें से 5 फंदे हम बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे। लास्ट में 5 फंदे रह गए, शुरू में हमारे 8 फंदे हो गए। अब इन 8 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। अब वापस से अपनी सीधी तरफ आ गए तो हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 2, 4 सिलाइयों में शुरू की पहली और तीसरी में हमने फंदे बढ़ाए थे, तो ये 4 और 2 ये निकाले हमने, 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। अब हमारी ये हमारी 7वीं सिलाई। 7वीं सिलाई में हम सभी फंदों को आगे की तरफ से उल्टा बनाएंगे। जो हमने 5 फंदे छोड़े थे उन्हें भी हम उल्टा बना लेंगे। उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बना ले, तो ये अब हमारी 8वीं सिलाई कंप्लीट होती है। सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं।
अब इसके अंदर हमारी नवी सिलाई निकलेगी। तो नवी सिलाई में हमने पहले दो फंदे बढ़ाए फिर एक, तो इस बार हमारा पहले एक फंदा कटेगा, इससे दो का एक कर देंगे। और इसके साथ हमें आगे पीछे पांच फंदे में छोड़ने। ये हमारे पांच फंदे पीछे छूट गए, यहीं से अपनी सिलाई को हम घुमा लेंगे और इन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारी 10वीं सिलाई है। अब हमारी 11वीं सिलाई में आ गए हम। तो 11वीं सिलाई में हमने शुरू में दो फंदे बढ़ाए थे, तो अब इस बार हम दो फंदे घटाएंगे। शुरू में मैंने दो का एक किया, फिर वापस से सिलाई को लेंगे और यहाँ दो का एक करेंगे। तो अब हमारी सिलाई में 10 फंदे हो गए, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और एक हमारा है। तब 10 के 10 फंदे हम बना लेंगे। ये हमारी 11वीं सिलाई है। बारहवीं सिलाई में भी सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी एक डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारी एक डिजाइन कंप्लीट हो गई। आगे की तरफ हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें रहती, और इधर पीछे की तरफ हमारी 1, 2, 3 लाइनें रहती। तो हमारी ये कुल 12 लाइनें हो गई। पीछे की तरफ हमारी 6 लाइनें रहती। पहली सिलाई में हमने दो फंदे बढ़ाए और हमें आधे फंदे तक ही बनाना रहता है, उसके बाद अपनी सिलाई को घुमा के पीछे की तरफ से आगे के फंदों को हम बना लेते हैं। फिर हमारी तीसरी सिलाई के अंदर हमने एक फंदा और बढ़ाया, फिर इसके अंदर हम सभी फंदों को बना लेते हैं और फिर उल्टा बना लेते हैं। फिर उसके आगे हम अपनी पांचवी सिलाई के अंदर आधे फंदों को बनाएंगे, पीछे की तरफ के 5 फंदे हम छोड़ते हैं क्योंकि आगे हमारे 3 फंदे बढ़ जाते हैं, तो 8 फंदे बनाए। हमें पीछे की तरफ से फंदों को याद रखना है, जितने हम फंदे डालते हैं उसमें आधे फंदे एक बार बनाते हैं और अगली सिलाई में पूरे फंदे बनाते हैं। सभी साइजों में हमें ऐसे ही करना है। तो ये हमारी 12 सिलाइयों का एक पत्ती कंप्लीट होती है। अब वापस से अपनी दूसरी पत्ती बनाएंगे। तो पहले हमने दो फंदे बढ़ाए थे, उसी तरह से मैं दो फंदे बढ़ाऊंगी। एक फंदा बढ़ गया, वापस इसमें डाल दो, फिर इसको वापस बना लेंगे तो दो फंदे बढ़ गए, इसको वापस डाल दो, दो फंदे बढ़ गए। अब शुरू के दो फंदे तो बड़े हुए बना लेती हूँ मैं। फिर हमारी सिलाई के अंदर 10 फंदे, इसमें से 5 फंदे और बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 यहीं से इसे घुमा लेंगे और इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। फिर वापस से अपनी तीसरी सिलाई में आ गए। तो इसके अंदर एक फंदा और बढ़ाएंगे, तो पहले से उल्टा बनाया, पीछे ले जाके इसे सीधा बनाएंगे, फिर उनको आगे करेंगे। अब सभी फंदों को हम बना लेंगे, बचे हुए 5 फंदों को भी हम इसी सिलाई में बना लेंगे। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी पहली सिलाई के अंदर हमें आधे फंदे बनाने, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में पूरे बनेंगे। तो पहली में आधे बने, फिर हमारे पांचवे के अंदर आधे बने, फिर हमारी 9वीं सिलाई के अंदर आधे बनेंगे। इस तरह से हमारे 3 बार आधे फंदे बने, पहली में, पांचवी में और 9वीं में। इस बीच में हमारी 4-4 सिलाइयों का गैप रहता है। इस तरह से हमारी एक पत्ती बन गई। अब आगे की पत्तियां मैं इसी तरह से बनाऊंगी। जिस तरह से हमने अपनी पहली पत्ती बनाई है, उसी तरह से हम अपनी सभी पत्तियां बना के इसे कंप्लीट करते हैं। मैंने अपने घेरे की पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पत्तियां बनाई है। अब इसकी हम चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 12 फंदे डाल लिए और इसके अंदर उल्टी सिलाई को मैं उल्टा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बना लिया। इस रो को हम काउंट नहीं करेंगे।
शुरू में पट्टी के दो फंदे हम उल्टे बनाते हैं, फिर बीच के आठ फंदों को हम एक का दो करेंगे। इस तरह से पहले इस फंदे को पीछे से बनाऊंगी मैं, फिर इसी फंदे को आगे से बनाऊंगी। बीच के आठ फंदे हमें इसी तरह से एक का दो करना है। पहले फंदे को हम पीछे से बनाते हैं, फिर इस फंदे को आगे से बनाते हैं, और लास्ट के दो फंदे पट्टी के हम सिंपल एक एक ही बना लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल के मैं कंप्लीट करती हूँ। अब हमारी ये दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी वापस सीधी तरफ आ गई जो हमारी तीसरी सिलाई है। शुरू के दो फंदे तो पट्टी के हम उल्टे बनाते हैं, अब बीच के 16 फंदे इनको वापस से हम डबल करेंगे। तो हमने पहली सिलाई में बीच के आठ फंदों को डबल किया था, फिर तीसरी सिलाई में हम बीच के 16 फंदों को डबल करेंगे। तो डबल करने के लिए पहले फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को आगे से बनाते हैं। इस तरह इसके अंदर मैं सभी फंदों को डबल करके अपनी इस रो को कंप्लीट करती हूँ। बीच के सभी फंदे डबल कर लिए, लास्ट के पट्टी के दो फंदे हम सिंपल बना लें। इस तरह हमारी ये तीन सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आगे की तीन सिलाइयाँ उल्टी तरफ से भी उल्टी निकलेगी और सीधी तरफ से भी, तो चौथी सिलाई भी उल्टी निकालेंगे हम, पाँचवीं सिलाई सीधी तरफ से उल्टी और छठी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी। इस तरह हमारी ऊपर की तरफ इसमें कुल 6 सिलाइयाँ निकलती हैं और इसके अंदर हमारे अब 36 फंदे हो गए। तो ये तीनों सिलाई मैं निकाल के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये तीनों सिलाई निकाल ली है और हमारे चोले में ऊपर 6 सिलाइयाँ निकल गई। अब शुरू में इसके अंदर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब आगे के 9 फंदों के अंदर अपनी बाजू घटाएंगे तो अपनी ऊन को आगे करेंगे। एक फंदा सीधा बनाया, दूसरा सीधा बनाया, पिछले वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से स्लिप कर देंगे। एक फंदा घट गया हमारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह हमारे ये 9 फंदे बाजू के कट गए, एक फंदा हमारी सिलाई में। अब आगे 8 फंदे हम अपनी पीछे के पार्ट के बनाएंगे, तो पीछे के पार्ट के अब 7 फंदे और बना लेते हैं। सात, तो ये हमारे 8 फंदे पीछे के पार्ट के हो गए। अब आगे 9 फंदे हम घटा देंगे और 5 फंदे अपनी इसी सिलाई में बना लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी ये दोनों बाजू बन गई हैं और इसके अंदर अब हमारे 18 फंदे रह गए। एक सिलाई हमारी निकल गई है, अब इसके अंदर हम 3 सिलाइयाँ और निकालेंगे तो कुल हमारी लंबाई में 4 सिलाइयाँ निकल जाएंगी। इससे मैंने अपनी चोली को, इसमें मैंने 3 सिलाई निकाली है, उल्टी सिलाई मैंने नहीं निकाली है। उल्टी सिलाई जब हमारे घेरे के साथ अटैच होगी तब कंप्लीट हो जाएगी। घेरे इस तरह ये हमारे घेरे की पट्टी है। घेरे की पट्टी में आपको सभी साइजों में बता देती हूँ। ये 0 नंबर में हमने 10 फंदों से शुरू किया था, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सभी के अंदर हमारे दो दो फंदे बढ़ते जाएंगे। 1 नंबर में 12 फंदे हो जाएंगे, 2 नंबर में 14, 3 नंबर में 16, 4 नंबर में 18, 5 नंबर में 20, इस तरह दो दो फंदे बढ़ते जाएंगे। और जिस तरह से फंदे बढ़ेंगे उसी तरह से हमारी ये पट्टियाँ भी बढ़ती जाएंगी। तो सभी साइजों में हमारे एक एक पट्टी बढ़ती जाएगी। 0 में हमने 9 बनाई है, 1 के अंदर 10 बनाएंगे, 2 के अंदर 11, 3 के अंदर 12, 4 के अंदर 13, 5 के अंदर 14, 6 के अंदर 15, इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ बढ़ती जाएंगी। और जहाँ पे ये फंदे बढ़ाए हैं उसी तरह से में फंदे भी बढ़ेंगे। तो 0,
एक और दो के अंदर तो हमारे इसी तरह से इतनी बड़ी ही पत्ती बनेगी, बस हमारे फंदों का साइज बढ़ जाएगा, सिलाइयाँ भी हमारी इतनी ही निकलेंगी। इसके अंदर हमारी 12 सिलाइयाँ निकली, 3 और 4 के अंदर हमारे 3 और 1 फंदे, 4 फंदे बढ़ेंगे। इसके अंदर हमने 3 बढ़ाए थे, उसमें 4 फंदे बढ़ेंगे, और उसके अंदर कुल हमारी 3 और 4 के अंदर भी हमारे 12 सिलाइयाँ ही निकलेंगे। फिर 5 और 6 के अंदर हमारे इसके अंदर 16 सिलाइयाँ निकलेंगी, क्योंकि हम जब बनाते हैं इसके आधे आधे फंदों के हिसाब से बनाते हैं। सभी साइजों में जितने फंदे होंगे उसमें आधे फंदे हमें एक बार बनाने हैं और आधे एक बार बनाने हैं, तो हमारी एक साथ 4 सिलाइयाँ इंक्रीज होती हैं, तब हमारा ये डिज़ाइन बनता है। तो इस तरह से ये पट्टी कंप्लीट होती है। अब इसके अंदर यहाँ से हम 18 फंदे उठाएंगे, क्योंकि हमारी चोली के अंदर 18 फंदे हैं। ये हमारा उल्टी तरफ है, क्योंकि हमारा ये धागा इधर है, ये सीधी तरफ है। तो सीधी तरफ से इसके अंदर हम फंदे उठाते हैं, यहाँ से ऐसे सिलाई को इसके अंदर डालेंगे, और जिस तरह से हम फंदे बनाते हैं उसी तरह से उनको इसके अंदर डाल के इस तरह से एक फंदा बना लिया। फिर आगे एक लाइन छोड़ के दूसरा फंदा इसे उनको साथ में लेके चलेंगे हम, 3, फिर कहीं तो हम पास में ले लेंगे 4, 3 फंदे बनाने के बाद एक पास में लेना है, फिर आगे 5, फिर एक लाइन छोड़ के 6, फिर पास में 7। इस तरह से इसके अंदर मैं 18 फंदे उठाती हूँ। इस तरह हमारे ये 18 फंदे हमने उठा लिए। अब यहाँ से इसके अंदर हम एक सिलाई सभी फंदों को उल्टी तरफ से सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। इस तरह मैंने इसके अंदर एक सिलाई निकाल ली है। अब अपनी चोली लेंगे और इन दोनों को इस तरह से करेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों के सीधे तरफ एक तरफ ही होना चाहिए। फिर दोनों में से एक फंदा चोली के में से और एक फंदा इसमें से, दोनों में लेंगे ऊन, हम कोई सा भी ले लेंगे दोनों में से, और दोनों को सीधा बना देंगे। तो और दोनों को एक एक फंदे को हम छोड़ देंगे। फिर एक फंदा चोली में से लेंगे, एक घेरे में से लेंगे, दोनों को एक साथ बना देंगे और फिर दोनों को हम छोड़ देंगे। और जो हमारा ये पीछे वाला फंदा, इस फंदे को अपने इस फंदे के ऊपर से स्लिप कर देंगे। फिर चोली में से एक फंदा घेरे में से, दोनों को एक साथ बनाएंगे और फिर दोनों को हम छोड़ देंगे। फिर जो तीसरी सिलाई है उसके अंदर पीछे वाले फंदे को इस फंदे पे से स्लिप कर देते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ से ज्वाइन हो जाता है। एक चोली में से लेते हैं फंदा, एक घेरे में से, दोनों को हम सीधा बनाते हैं, फिर दोनों फंदों को छोड़ देंगे, पीछे वाले फंदे को तीसरी सिलाई के में स्लिप कर देते हैं। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी ये कंप्लीट हो गई है। सभी उनको हम फिनिशिंग से अंदर की तरफ एडजस्ट कर देंगे। चाहे तो आप इसे आगे से सिलाई भी कर सकते हैं या फिर इसे आप खुला भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इसके साथ की हम कैप बनाएंगे। तो ये कैप आज हम हेड शेप की बनाएंगे। इसके अंदर मैंने 6 फंदे डाले, फिर उसकी अगली सिलाई के अंदर 12 फंदे कर लिए, फिर उसके बाद 6 सिलाइयाँ निकाली उल्टी उल्टी, तो 3 रो हमारी गांठी स्टिच की बन गई है। फिर 8 सिलाइयाँ हो गई। 9वीं सिलाई में मैंने सभी फंदों को डबल कर दिया। 10वीं 11वीं 12वीं सिलाई मैंने उल्टी उल्टी निकाली और 13वीं सिलाई में सभी फंदों को घटा दिया। अब इस तरह से इसे उल्टा करके यहाँ पर मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ। इस तरह मैंने अपनी कैप की सिलाई कर ली है और अपनी ड्रेस को डेकोरेट कर लिया है। मैंने इस तरह से टीयर शेप के पैचेस से इसे डेकोरेट किया है। इसे मैंने अंदर की तरफ टीयर शेप का हाफ पर्ल और उसके चारों तरफ स्टोन चैन बन लगा के ये पैचेस बनाए। इस तरह से अपनी ड्रेस को और एक पैच मैंने अपनी कैप पे भी लगा लिया। इस तरह मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।